नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपना घोषणा पत्र जल्दी ही जारी करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के घोषणा पत्र में दो खास थीम होगी, भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का खाका और मोदी की गारंटी। घोषणा पत्र बनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली समिति की आज पहली बैठक हुई। बीजेपी ने घोषणा पत्र के लिए देशभर से सुझाव इकट्ठे किए हैं। 3,500 विधानसभाओं और 100 शहरों में सुझाव लिए गए हैं। 900 वैन के माध्यम से सुझाव लिए गए। नमो ऐप पर भी सुझाव मांगे गए और करीब 1,70,000 सुझाव वहां पर मिले हैं। मोदी की गारंटी और 2047 तक विकसित भारत बनाने पर जोर इस संकल्प पत्र में दिया जाएगा। बीजेपी घोषणा पत्र में किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों पर खास फोकस करेगी। पिछले 10 साल में पूरे किए गए वादों की फेरिस्त भी दी जाएगी। इनमें अनुच्छेद 370 का खात्मा और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण जैसे वादों को पूरा करना शामिल है। जो कहा वो किया, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। बीजेपी इस पर जोर देगी। अलग अलग विषयों के ऊपर सभी ने अपने सुझाव, अपने अमूल्य विषयों के ऊपर क्या किया जा सकता है, किस प्रकार से आगे के विकसित भारत 2047 के रोड मैप में पार्टी की क्या रूपरेखा रहेगी, सरकार की क्या रूपरेखा रहेगी, इसके विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे टर्म के संकल्प पत्र के बारे में चर्चा की। और चुनाव से ठीक पहले 1974 में भारत श्रीलंका के बीच हुआ एक समझौता जिन्न की तरह फिर से बाहर निकल गया है। दरअसल 74 में भारत और श्रीलंका ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जहां उन्होंने समुद्री सीमा खींची और समुद्री सीमा खींचने में कच्छ तीवू सीमा के श्रीलंकाई पक्ष पर रखा गया। अब बीजेपी ने चुनाव से पहले इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। पहले पीएम मोदी ने मेरठ में कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 74 में माँ भारती के एक अंग को खराब बताकर अलग कर दिया गया। आज विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कहा कि हम जानते हैं कि ये किसने किया, ये नहीं पता कि इसे किसने छुपाया। This is an observation by the then Prime Minister Jawaharlal Nehru in May of 1961. He says, he writes, I attach no importance at all to this little island and I would have no hesitation in giving up our claim to it. I do not like matters like this pending indefinitely and being raised again and again in Parliament. So, to Pandit Nehru, this was a little island. It had no importance. He saw it as a nuisance. Why are people bringing it up again and again in Parliament? उधर कच्छ तीवू को लेकर INDIA गठबंधन के दो प्रमुख घटक कांग्रेस और DMK आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। दरअसल राज्य में सत्तारूढ़ DMK का कहना है कि कच्छ तीवू टापू को श्रीलंका को सौंपना कांग्रेस की ऐतिहासिक गलती थी, लेकिन बीजेपी ने पिछले 10 साल में इसे वापस लेने के लिए कुछ भी नहीं किया। उधर कांग्रेस ने दशकों पुराने इस मुद्दे को उछालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथों लिया है। दशकों पुराने कच्छ थीवू मामले को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले एक विवाद खड़ा हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। 5 किलोमीटर दूरी पर एक टापू है, एक द्वीप है कच्छा थीवू। तो कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को उसी के रुख की याद दिला दी। कांग्रेस ने 2015 के RTI जवाब का हवाला दिया, जिसमें मोदी सरकार ने कहा था कि कच्छ थीवू मामले में ना तो श्रीलंका को कोई जमीन दी गई और ना ही उससे कुछ लिया। प्रधानमंत्री होमवर्क करके आते नहीं है। इन्हीं की सरकार में 2015 में इसी मुद्दे पर एक RTI हुई। वो RTI में अभी आपको सर्कुलेट कर देता हूं। उसमें लिखा है, दिस डिड नॉट इन्वॉल्व आइदर एक्वायरिंग और सीडिंग ऑफ टेरिटरी। इन्हीं की सरकार कह रही है कि ना कोई जमीन श्रीलंका को दी ना उनसे कुछ लिया। इन्हें इतना समझ नहीं है कि अभी कुछ साल पहले इन्होंने बांग्लादेश के साथ इसी मैत्री को आगे बढ़ाते हुए जो बांग्लादेश चाहता था वो किया। इन्हें इतना नहीं पता कि 2014 तक इस आइलैंड के आसपास फिशिंग राइट्स थे। 2014 के बाद वो फिशिंग राइट्स क्यों चले गए, इन्हें जवाब देना है। कटघरे में इन्होंने खुद अपने आप को खड़ा कर दिया। उधर तमिलनाडु में सत्तारूढ़ और कांग्रेस के सहयोगी DMK मानती है कि कच्छ थीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंपना कांग्रेस की ऐतिहासिक गलती थी।
डीएमके का दावा है कि उसने तब इस कदम का विरोध किया था। डीएमके ये भी कहती है कि 50 साल पुराने इस मामले को हवा देकर बीजेपी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना चाहती है। प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय लगभग 50 साल पुराने मुद्दों को उछालने की कोशिश कर रहे हैं। अब चुनाव के पूर्व वो अपनी पूरी विफलता को छिपाने के लिए एक मुद्दा उठाना चाहते हैं। क्या हमारे विदेश मंत्रालय, केंद्रीय मामलों के मंत्री ने चीनी घुसपैठ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या उन्होंने ऐसा किया? ऑन चाइनीज इनकर्शन विल ही डू दैट? डीएमके का यह भी कहना है कि राज्यों के विरोध के बावजूद बीजेपी सरकार ने बांग्लादेश के साथ एनक्लेव की अदला बदली की। विदेश मंत्री जयशंकर पर निशाना साधते हुए डीएमके ने पूछा कि वे चीनी घुसपैठ के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते। चेन्नई से सैम डेनियल के साथ दिल्ली से हिमांशु शेखर मिश्रा की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जोधपुर में बीजेपी के शक्ति प्रमुख सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाया, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, हमने जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी को लोकतंत्र के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी दादी ने आपातकाल के दौरान लाखों लोगों को जेल में डाल दिया था, पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमित शाह ने कहा कि जितने भी दल इकट्ठे हो जाएं, आएंगे तो मोदी ही। भाई और बहनों, ये जो कुनबा इकट्ठा हुआ है, कल इन्होंने कहा लोकतंत्र बचाओ। क्यों भाई, क्या हो गया लोकतंत्र को? इस देश की जनता वोट डालने वाली है, तय करेगी। आप काहे को लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हो? कह रहे हैं हमारे नेता जेल में गए। भाई मुझे बताओ, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करेंगे तो जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जोर से बोलो, जाएंगे या नहीं जाएंगे? और राहुल बाबा सुन लो, क्यों फरियाद कर रहे हो? हमने 2014 में भी किया, 19 में भी किया, कहकर हम चुनाव लड़े थे। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। गहलोत जी का एक ही लक्ष्य है, बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, आपकी चिंता नहीं है। और गहलोत जी छोड़ो, सोनिया जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लालू यादव बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता बनर्जी भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, स्टालिन बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अरे भाई, जो बेटा बेटी बहू और भतीजे की सोचे, वो भारत के युवाओं की सोच सकता है क्या? ये लोग एक और एक 11 कर सपना बना देख रहे हैं। मैंने बोला उनको मालूम नहीं है 0+0=0 ही होता है। कितने भी दल इकट्ठा कर लो, आएगा तो मोदी ही आएगा। उधर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का फैसला हो चुका है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि महायुति के मिशन 48 के लिए सभी जी जान से जुट जाएं। बीजेपी ने मुंबई की सभी 6 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए एक मास्टर प्लान बनाया है। गुड़ी पड़वा को हर घर पर हिंदुत्व की ध्वजा लहराई जाएगी। मराठी बहुल इलाकों में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है। उस दिन मुंबई में 400 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया है। 20 मई को वोटिंग तक हर वार्ड में अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे, जिनके जरिए पीएम मोदी के कामकाज और योजनाओं को हर मुंबईकर तक पहुंचाया जाएगा। और लोकसभा चुनाव में अब जब कुछ ही दिन बचे हैं, राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। महाराष्ट्र की सियासत में फिल्मी ट्विस्ट भी दिखाई दे रहा है, जहां मशहूर कलाकारों के नाम पर विवादित बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। जॉनी लीवर, देवानंद असरानी, इन सभी नामों की एंट्री हो चुकी है। देखिए मुंबई से यह रिपोर्ट। महाराष्ट्र की रोचक सियासत थोड़ी फिल्मी भी हो चली है। कई मशहूर फिल्म कलाकारों के नाम पर विवादित बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं।
90 साल के आरबीआई के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई दौरे पर पहुंचे तो उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर कटाक्ष किया और निर्वाचन आयोग से पूछा कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट केवल भाजपा विरोधी लोगों के लिए है। जब वो चुनाव का निर्णय आता है, डेट डिक्लेयर होती है, तो प्रधानमंत्री नहीं है, ना कोई मंत्री रहता है, वो सामान्य नागरिक है, वो एक उम्मीदवार है, तो उनका जो खर्चा है सब जो सरकारी यंत्रणा का जो इस्तेमाल हो रहा है, वो एक तो उनके पार्टी के ऊपर जाना चाहिए, बीजेपी के खाते में जाना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, आचार संहिता का उल्लंघन है, तो बीजेपी के ऊपर एक्शन होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। नोटिस जाएगी कांग्रेस को इनकम टैक्स की, नोटिस जाएगी शिवसेना को, तृणमूल कांग्रेस को, आचार संहिता का उल्लंघन किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को नहीं जाएगी। ये देश का लोकतंत्र है। आप मुंबई में चाहे 10 सभा ले लो या 50 सभा ले लो, मुंबई की जनता ने तय किया है इस बार सबसे पहले बीजेपी मुंबई से तड़पा, देश में तो होगा ही। राउत के बयान पर बीजेपी नेता भड़क उठे और किसी ने राउत को भांडुप का देवानंद कह डाला तो किसी ने चेतावनी देते हुए उन्हें नटरंगी राजा बता दिया। उसको ये नहीं मालूम कि हमारे देश के पंतप्रधान ये युग पुरुष है, आज हमारे देश को एक आर्थिक महासत्ता बनाने में हमारे पंतप्रधान जी का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए भांडुप में बैठ के मुंडी हिला के ये देवानंद को कुछ भी आता नहीं है, यही वापस सिद्ध हो चुका है। ये नटरंगी नाचा जैसा काम ये संजय राउत कर रहा है, जिसका मैं निषेध कर रहा हूँ और आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ। इसके आगे अगर माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर असभ्य वर्तन की बात की तो इस संजय को मैं देख लूंगा, ये मेरी ताकीद है। बयानों की जंग में बीजेपी नेता राम कदम भी कूदे, उन्होंने उद्धव ठाकरे की तुलना शोले फिल्म के असरानी से कर डाली। श्रीमान उद्धव ठाकरे की हालत शोले पिक्चर के असरानी की तरह है, आधे इधर और आधे उधर, और पीछे मुड़ के देखो तो कोई नहीं। महाराष्ट्र की डर्टी पॉलिटिक्स में अब ये देखना होगा कि बयानों के तीर कौन सी सीमाएं लांघते हैं। कैमरा पर्सन संतोष पालवनकर के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया। उधर बिहार में पूर्णिया सीट महागठबंधन के लिए सिरदर्द बनी हुई है। पप्पू यादव ने आज ही ऐलान किया कि वो पूर्णिया से 4 अप्रैल को अपना पर्चा भरेंगे, जबकि यह सीट आरजेडी के खाते में गई है। पप्पू यादव के ऐलान के बाद ये माना जाने लगा है कि पूर्णिया में कांग्रेस और आरजेडी की फ्रेंडली फाइट होगी, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस आलाकमान ने फैसला किया है कि बिहार में लालू यादव से किसी भी सीट पर फ्रेंडली फाइट नहीं होगी। कांग्रेस पप्पू यादव को पूर्णिया से अपना सिंबल नहीं देगी, जिन्होंने हाल ही में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया और पूर्णिया का टिकट भी चाह रहे थे, लेकिन पूर्णिया से आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है। लड़ूंगा पूर्णिया से ही, पूर्णिया की जनता ने और हमने अपने नेता को अपनी भावना बता दी है। हमारे नेता के आदेश का मैं इंतजार कर रहा हूं, इसीलिए हमने 4 तारीख को नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है। उधर आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव ने आज अपनी 2 बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के साथ बाबा हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस बार मीसा पाटलिपुत्र से और रोहिणी सारण से लोकसभा चुनाव में आरजेडी की उम्मीदवार है। दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। उन्हें जेल नंबर 2 में रखा गया है। सुरक्षा के लिहाज से इस जेल को काफी मुफीद माना गया, क्योंकि यहां सजायाफ्ता कैदी रखे जाते हैं जिन्हें कहीं
लाने और ले जाने का मुद्दा नहीं रहता। ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। ईडी ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए जो कॉपी कोर्ट के सामने रखी उसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। ईडी ने इसमें लिखा कि केजरीवाल ने पूछताछ में कबूल किया कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। केजरीवाल ने कहा कि नायर से मेरी बहुत कम बातचीत होती थी। विजय नायर कह चुके हैं कि वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के आवास पर रहकर आबकारी नीति बना रहा था। नायर के मुताबिक सीएम कैंप ऑफिस से वो काम करता था। इस पर केजरीवाल कह रहे हैं कि कैंप ऑफिस में कौन काम करता है उन्हें सीधे तौर पर जानकारी नहीं रहती है। विजय नायर आपका कोई मामूली वॉलंटियर नहीं बल्कि पूरे मीडिया कम्युनिकेशन सेल का हेड था। केजरीवाल को विजय नायर के कई व्हाट्सएप चैट दिखाए गए जो उनके करीबी रिश्तों को दर्शाते हैं, लेकिन केजरीवाल ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है। केजरीवाल को विजय नायर की अन्य आरोपियों से 10 मीटिंग की डिटेल्स भी दिखाई गई। केजरीवाल से पूछा गया कि किसके कहने पर विजय नायर ने शराब कारोबारियों और आरोपियों के साथ मीटिंग की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी होने से भी इनकार कर दिया। केजरीवाल को गोवा चुनाव में इस्तेमाल 45 करोड़ का मनी ट्रेल भी दिखाया गया है। केजरीवाल ने इसकी जानकारी होने से भी इनकार करते हुए गोलमोल जवाब दिए हैं। अपने पार्टी नेताओं के बयानों पर केजरीवाल ने उन्हें कन्फ्यूज करार दिया। एनडी गुप्ता ने कहा था कि किस राज्य का कौन चुनाव प्रभारी होगा ये केजरीवाल तय करते थे, जबकि केजरीवाल ने कहा कि ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करती है जिसके मेंबर खुद एनडी गुप्ता हैं। और केजरीवाल पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और शाजी आलमी ने आज कहा कि केजरीवाल का असली चेहरा अब साफ हो गया है। इसके साथ ये भी बात बहुत साफ होती जा रही है कि केजरीवाल जी निरंतर ईडी के सामने आने से क्यों बच रहे थे। शायद उनको लग रहा हो और उनके आम आदमी पार्टी के बाकी सदस्य जो बहुत ही उत्साह और उच्छृंखलता के साथ उनका बचाव करते नजर आ रहे थे, शायद वो इस संभावित खतरे से डर रहे थे कि मानो वो कह रहे हो कि केजरीवाल जी कह रहे हो बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए। एक और बात जो पता चल रही है, सूत्रों के हवाले से नहीं बाकायदा रिमांड कॉपी में भी इसका जिक्र है, कि अब उनका बयान ये है कि आतिशी मरलीना जी, जो कभी मरलीना होती हैं कभी आतिशी सिंह होती हैं, और सौरभ भरद्वाज जी बाकायदा वो रिपोर्ट करते थे विजय नायर को। विजय नायर कौन? वही मीडिया सलाहकार। कौन मीडिया सलाहकार? जिसने बाकायदा समीर महिंद्रू से फोन करवाया था केजरीवाल जी को, जिसके बारे में केजरीवाल जी ने क्या कहा था? हाँ, ये मेरा ही लड़का है। सोचने वाली बात है साथियों, पुराने साथियों के साथ जो किया वो किया, अब नए साथियों का क्या हर्ष हो रहा है और क्या हशर होने वाला है आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा।